कल शाम को मुझे एक कॉल आया और मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, मेरी दीदी हैं और मेरी मास्टर भी हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि सुमन जरा बताओगी कि नारियल को एग्जैक्टली कैसे रखते हैं। वो बहुत कर्म कांड से अनजान हैं, सीधी सादी हैं दीदी, बहुत प्यारी सी हैं, बहुत सीधी सी हैं। तो उन्होंने पूछा कि नारियल कैसे रखा जाता है। मैंने उनको बोला कि भाई आप नोक जो नारियल का तीखे वाला पार्ट होता है, हार्ड नोक वाला होता है, तो वो आप ऊपर रख दीजिए। तो उन्होंने बोला कि भी किसी ने मुझे बोला कि इस तरफ रखना है, किसी ने बोला इस तरीके से, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो सोचा कि लगे हाथ आप लोगों से भी डिस्कशन कर लेती हूँ, ये एक अच्छा टॉपिक है। आप इस तरह के सवाल करते हैं तो मैं भी आपसे सीखती हूँ। तो मैंने उनको जो बताया, आप भी ध्यान से सुनिए। आप यहाँ से किसी भी चीज को जज कर सकते हैं कि जब भी हम माँ भगवती का कोई भी चित्र घर में लाते हैं, भले ही वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, या आप कभी धार्मिक जगहों पर गए होंगे, ऐतिहासिक जगहों पर गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि कोई 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल पुराना कोई ऐतिहासिक भित्ति चित्र अथवा कुछ ऐसा कि जहाँ पर माँ भगवती के सामने या भगवान सत्यनारायण के चित्र के सामने आपने देखा होगा पोस्टर्स वगैरह में, और नहीं देखा तो आज देखिए कि उनके सामने कलश रखा होता है और कलश के ऊपर जो नारियल होता है वो किस प्रकार से रखा होता है। ये हमारी बहुत प्राचीन परंपरा रही है कि नारियल का हार्ड वाला पोर्शन जो होता है वह ऊपर ही रखा जाता है। अब ये दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कब हुआ ये नहीं पता। तो जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, मेरे ख्याल से आप जो भी प्राचीन से प्राचीन देखेंगे उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे दायां बायां कुछ भी नहीं है, सिर्फ हार्ड वाली नोक जो है वो आसमान की तरफ है, जो कि ईश्वर तत्व की ओर इशारा करती है, और जो उसका गोल वाला पार्ट है वह नीचे कलश की तरफ रहता है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए और कभी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एन वक्त पर हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो आपको बहुत अच्छी चीज मैंने बताई है और मुझे नहीं लगता कि आप ये कभी भूलेंगे। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। राम राम। अपना ख्याल रखिए।